वहीं कटरा में दिल्ली पब्लिक स्कूल की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और स्कूली बच्चों ने शहीद उमर फैयाज को श्रद्धांजलि अर्पित की। दरअसल हाल ही में शोपिया में आतंकियों ने शहीद उमर फैयाज को शहीद कर दिया था। लेफ्टिनेंट उमर फैयाज युवा लेफ्टिनेंट उमर फैयाज शहीद हो गए थे, जिसके बाद पूरे देश में गुस्से की लहर उमड़ पड़ी थी। लेकिन अब कटरा में स्कूली बच्चों ने एक प्रोग्राम कर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसमें आतंकियों को उनके ही रूप में जवाब देने की बात की और साथ ही साथ उमर फैयाज को भावभीनी श्रद्धांजलि भी यहां पर दी गई है। आपको बता दिया जाए कि इन स्कूली छात्रों ने शहीद लेफ्टिनेंट उमर फैयाज को श्रद्धांजलि दी और अपने सरकार से मांग की है कि साथ ही साथ इन बच्चों ने ये संदेश दिया है कि जो आतंकवाद है, जो आतंकी हैं, आतंकवाद का खात्मा किया जाए और जो युवा हैं वो इस ओर ज़्यादा आकर्षित ना हों और अमन शांति बहाल की जाए। हमारा इस चीज़ का मकसद ये है कि हम एक अवेयरनेस क्रिएट कर लें कि अगली बार से टेररिस्ट की इतनी हिम्मत ना हो कि हमारे ही देश के अंदर घुस के हमारे ही किसी आदमी या हमारे ही किसी आर्मी ऑफिसर को वो मार सकें। आज हम ये रैली इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि उमर फैयाज जो कि हमारे इंडियन एक आर्मी सोल्जर थे, वो लेफ्टिनेंट थे, उन्हें कुछ टेररिस्ट ने उनको मार दिया क्योंकि वो एक मुस्लिम थे और उन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी। पर ये सही नहीं है, एक मुस्लिम भी एक इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकता है क्योंकि वो एक इंडियन सिटीज़न है। वो अभी 22 ईयर्स ओल्ड थे और वो लीव पे आए थे अपने कज़न की वेडिंग अटेंड करने, और हम ये रैली इसलिए निकाल रहे हैं कि अगली बार से कोई भी टेररिस्ट की हिम्मत ना हो कि वो हमारी इंडियन आर्मी को हर्ट करें या फिर उन्हें मारे। मेरा नाम प्रांजल वशिष्ठ है और मैं DPS कटरा का एक छात्र हूँ। आज हमारी रैली करने का मकसद ये है कि जो मिलिटेंट्स ने हमारे एक आर्मी ऑफिसर उमर फैयाज जो कि लेफ्टिनेंट थे उन्हें मार दिया क्योंकि वो मुस्लिम थे और उन्होंने हमारी आर्मी ज्वाइन की थी, तो हमारी इस रैली का मकसद ये है कि अगली बार कोई भी मुस्लिम अगर आर्मी ज्वाइन करता है तो इस पर टेररिस्ट उन्हें नहीं मारे क्योंकि मुस्लिम्स भी हमारे इंडियन सिटीज़न है और उनको भी हक है कि वो हमारी आर्मी की तरफ से ज्वाइन करें।